किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। हमारे पास बड़ी खबर आ रही है हाटा कोतवाली के क्षेत्र के देवराड़ पिपरा चौराहे पर शनिवार रात किराना व्यवसायी की गोली मारकर हुई हत्या के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और रविवार को सैकड़ों की संख्या में घटना से गुस्साए ग्रामीण हाटा कोतवाली का घेराव करने चल दिए। सूचना मिलते ही पुलिस ने ग्रामीणों की पकौड़ी चौराहे पर ही रोक लिया, लेकिन ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। मौके पर एएसपी गौरव बंसवाल, सीओ कसिया, एसडीएम हाटा के साथ साथ दर्जा राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह व विधायक पवन केडिया भी पकौड़ी पहुंच गए। फिर ग्रामीण को काफ़ी समझाने के बाद ग्रामीण वापस लौटे। आपको बता दें कि शनिवार की रात लगभग 10 बजे किराना के व्यवसायी अजय मदेशिया को बदमाशों ने गोली मार दिया था। घटना उस समय घटी जब अजय देवराड़ पिपरा चौराहे पर स्थित अपनी दुकान पर थे। तभी दो बाइक सवार से चार लोग आए और अजय से सिगरेट मांगा और बदमाशों ने ऊपर से अजय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे अजय घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए हाटा CHC लाया गया, लेकिन उनकी इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान अजय की रविवार को मृत्यु हो गई। इस घटना से एक तरफ जहां देवरा पिपरा में मातम का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों में खासा आक्रोश भी है। ग्रामीणों को वापस भेजने के बाद पुलिस ने आला अधिकारी सहित दर्जा और प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह, विधायक पवन केडिया भी देवराड़ पिपरा पहुंचे, जहां ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद थी। पुलिस व जनप्रतिनिधियों के काफ़ी समझाने के बाद 72 घंटे में घटना का अनावरण करने के आश्वासन पर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने देवड़ा पिपरा में पुलिस चौकी बनाए जाने, मृतक के परिवार को सहायता दिए जाने की मांग की। फिलहाल देवराड़ पिपरा में सुरक्षा व शांति व्यवस्था। आपके भाई के साथ जो घटना हुई है, क्या घटना हुई है, क्या कहेंगे इस पे आप? दिग्विजय नाथ शुक्ला, चार लोग दो मोटरसाइकिल पे आए, दुकान पे आए और दुकान पे गोली मारे। घटना कब की? 9:30 बजे। क्या कोई पुरानी रंजिश थी या कुछ इस तरह का मामला? नहीं, कोई रंजिश नहीं। आज जो ग्रामीणों के साथ सड़क जाम वगैरह किया गया था, ये इसका क्या मतलब था? क्यों आप लोगों ने जाम किया था, क्या मांग थी आपको? मुजरिम ने पकड़ा गया। तो अब तक के प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई से क्या संतुष्ट नहीं है आप लोग? संतुष्ट है, 72 घंटे के लिए वो मांगे हैं। अभी आगे और क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप प्रशासन से? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। 72 घंटे में पर्दाफाश नहीं होता है तो दोबारा एक्शन लिया जाएगा। यहाँ तो धरना पे बैठेंगे, जैसा इनका कहना है, धरना पे सब लोग ग्रामवासी बैठेंगे। आप बोलिए, धरने पे बैठेंगे। 72 घंटे देखिए, जो भी घटना कल रात को घटित हुई है, हमारे व्यापारी भाई के साथ उन्हीं का परिवार ही नहीं, पूरा इलाका, पूरा गांव, हम सभी लोग उस घटना से क्षुब्ध हैं और हम त्वरित पूरा प्रशासन यहां आया है और प्रशासन के लोगों ने जिम्मेदारी लिया है। आज से कल तक इस घटना का पर्दाफाश होगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और पुनः ये घटना, इस तरह की घटना इलाके में न घटे, जिले में न घटे, प्रदेश में न घटे, इसके लिए हम सभी लोग तत्पर हैं, तैयार हैं। हम यहाँ के नौजवानों को कहूँगा, यहाँ के समस्त पूरे समाज को हम कहेंगे, आप सभी लोगों को इस तरह की घटनाओं का विरोध करना चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए खड़ा होना चाहिए और हम सभी की जो भी आवश्यकता जहां भी पड़ेगी, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और उसके हर सुख दुख के सहभागी हैं और आज से कल तक प्रशासन ने जिम्मेदारी लिया है, आज से कल तक घटना का पर्दाफाश होगा और जो भी अभियुक्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि उनके आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी फिर इस तरह की घटनाएं जिले में न घटित हो। सर, जो गोली काम हुआ है उसमें प्रशासन किस तरह का एक्शन ले रही है? यहाँ पर एक कल सनसनीखेज यहाँ पर घटना हुई थी, जिसमें एक व्यापारी को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी में
जो पीड़ित परिवार है उन्होंने हमसे आश्वासन मांगा है और उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश होगा, क्योंकि पीड़ित परिवार को अभी ये है कि उनको खतरा हो सकता है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगा दिया गया है। पूरे गांव में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और 24 घंटे इसकी ड्यूटी रहेगी। यहां पर लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा एक अस्थायी पुलिस चौकी की मांग की गई है, उसी के लिए यहां पर पिकेट लगा दिया गया है और जब तक शासन द्वारा मंजूर नहीं हो जाता यहां पर पिकेट रहेगी 24 घंटे। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लामपिपरा देवराड़ में अजय मर्देशिया की किराना की दुकान है। अजय मर्देशिया, उनके पिताजी और उनका छोटा भाई पिंटू तीनों लोग दुकान पर शाम को लगभग 9:30 बजे मौजूद थे। उसी समय 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग वहां आए। एक मोटरसाइकिल से एक आदमी उतरकर दुकान पर आया, काउंटर पर बैठे पिंटू से उसने सिगरेट मांगी। 2 सिगरेट का मूल्य चुकाने के लिए उसने फिर मोटरसाइकिल वाले के पास जाकर 500 का नोट लिया और लाकर पिंटू को दिया। पिंटू ने 2 सिगरेट के दाम 20 रुपये काटकर 480 रुपये उसे वापस कर दिए। फिर उसने माचिस ली, माचिस से सिगरेट जलाई, 1-2 कश सिगरेट पिया और उसके बाद अचानक उसने पिस्टल निकाल ली और पिंटू पर तान दी। पिंटू ने अपने मोबाइल से उसकी पिस्टल पर चोट मारी और फिर पिंटू आड़ में छिप गया। घर उसी में घर बना हुआ है, घर में अंदर की तरफ छिपा। लेकिन इस बीच में उसके भाई ने प्रतिरोध किया कि ये क्या कर रहे हो। इतनी बात पर बदमाश ने अजय के ऊपर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई और उनके पिताजी खड़े हुए तो उनके पिताजी को धक्का देकर गिरा दिया। फिर एक बदमाश ने काउंटर पर जाकर दिन भर की बिक्री का जो पैसा था उसको बटोर कर एक झोले में रखा और मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से चले गए। घायल को CSC हाटा ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। बदमाशों के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है। ग्रामीणों के सहयोग से एक खेत को घेरा गया है, उसमें कॉम्बिंग चल रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और बदमाशों की गिरफ्तारी की जाएगी।